अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स। हमने अपना जो सिंपल फ्लो चार्ट्स लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, आज हमने पढ़ने हैं कंडीशनल फ्लो। कंडीशनल मतलब कि कोई ना कोई कंडीशन होगी, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। उस बेस पर हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स वी स्टडी डैट ए फ्लो बिटवीन स्टेप्स कैन डिपेंड अपॉन सर्टन कंडीशन, ठीक है। जितने भी फ्लो चार्ट आगे हम करने जा रहे हैं वो क्या है, किसी ना किसी कंडीशन पर बेस कर रहे हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द फ्लो इज़ डिफरेंट, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा फ्लो यानी कि स्टेप्स और रिजल्ट डिफरेंट होगा। फ्रॉम वेन द कंडीशन इज़ फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स की सूरत में कोई और स्टेटमेंट्स होंगी और ट्रू की सूरत में कोई और होंगी। ए कंडीशन इज़ ऑलवेज एवेल्यूएटेड एज आइदर ट्रू और फॉल्स, कंडीशन का आंसर हमेशा या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, इसको हम येस और नो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये थ्योरी नहीं करनी, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब हमने क्या करना है, फ्लो चार्ट पर सीधा आ जाना है। तो सबसे फर्स्ट फ्लो चार्ट जो कंडीशनल वाला है वो आपकी बुक में क्या है, टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज ओड और इवन। आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपने वो डिसाइड करना है कि वो नंबर ओड है या इवन। तो सबसे पहले ये सवाल, ये फ्लो चार्ट करने से पहले आपको ओड और इवन नंबरों का पता होना चाहिए। तो ओड नंबर कौन से होते हैं आपके पास, 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरीके से आपको ये ओड नंबर का सेट पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये ओड नंबर होते हैं और ये इवन नंबर होते हैं। लेकिन हमने अपना डिसाइड कैसे करना है कि ये ओड होता है या इवन नंबर होता है, तो इससे पता चलेगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है वो हम लगाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कोई नंबर ओड है या इवन। तो वो फार्मूला क्या है आपका, वो फार्मूला ये होता है कि आप रिमाइंडर ले लेते हो। रिमाइंडर यानी कि जब आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो नंबर इवन है, और अगर उसका रिमाइंडर अदर देन 0 आए तो हम कहेंगे ये नंबर क्या है, ओड है, ओड है, ठीक है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर ले लिया, मैंने ये नंबर ले लिया 5 नंबर मैंने ले लिया, और इसका मैंने रिमाइंडर लेना है हमेशा 2 के साथ। ये फार्मूला होता है किसी भी नंबर को इवन या ओड फाइंड करने के लिए। 2 से मैंने डिवाइड करना है, 2 divided 2 to the 4, ठीक है, तो मेरे पास 1 बच गया। अब यहाँ पर इसको हम क्वोशेंट कहते हैं, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये रिमाइंडर हमने देखना है, अगर तो किसी भी डिवीजन करते हैं नंबर को 2 के साथ, उसका अगर रिमाइंडर 1, 0 नहीं आता तो हम कहेंगे ये नंबर ओड है, और अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये नंबर इवन है। तो देखें, ये 5 था, 5 को मैंने जब 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब 5 हमारे पास क्या नंबर बन गया, ओड। इसी तरीके से मैं 7, 9 का करूँगी तो सबका कुछ ना कुछ बच जाएगा, 0 नहीं आएगा, तो ये तमाम नंबर ओड होंगे, आप करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ पर 6 का लेती हूँ, 2 के साथ डिवाइड करती हूँ, 2, 3, 6 और एंड पर बच गया 0, यानी कि इसका रिमाइंडर जो है वो क्या बना, 0। तो इसका मतलब जो 6 है नंबर वो क्या हो गया हमारे पास, इवन। तो कोई भी नंबर अगर हमने फाइंड करना है कि वो इवन है या ओड है, तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर लेना है, अगर तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे ये नंबर इवन है, और अगर अदर देन 0 आया तो हम कहेंगे ये नंबर ओड है, ठीक है। ये हमने अब इसका फ्लो चार्ट देखना है, तो फ्लो चार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट स्टार्ट के सिंबल से स्टार्ट होगा, उसके बाद हमने देखना है कि इसमें इनपुट कौन कौन सी है। तो इनपुट हमें क्वेश्चन जो हमें दिया होता है, सवाल जो दिया होता है उससे पता चल जाती है। टू डिटरमिन वेदर ए गिवन नंबर,
इज ओड और इवन। गिवन नंबर का मतलब यह है कि नंबर दिया जाएगा आपको, तो हमारे पास इनपुट क्या होगी, कोई भी एक नंबर होगा, उस नंबर को बाद में आपने डिसाइड करना है कि ये ओड है या इवन है। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले क्या लेना है, हमने इनपुट नंबर एन, उसने नंबर को एन वेरिएबल का नाम दे दिया है। आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, नंबर ए, नंबर बी, या खाली इनपुट ए, या खाली इनपुट एन, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर आपने फर्जी तौर पर ले लेना है, वो नंबर वो होगा जो भी हमें अगला यूज़र देगा, यानी कि वो हमें देगा कि फाइंड करो कि ये ओड है या इवन है। वो नंबर हमने इनपुट के तौर पर ले लिया, हमने यहाँ पर जनरल बात कर रहे होते हैं इसलिए हमने इनपुट नंबर एन लिख लिया है। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि अभी मैंने बताया, उसको हम लिखते कैसे हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं कि बेसिकली हम रिमाइंडर ही फाइंड कर रहे होते हैं ना। रिमाइंडर अगर ज़ीरो है तो वो इवन है, और अगर रिमाइंडर अदर देन ज़ीरो है तो वो ओड है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू हमारे पास एन मोड टू। ठीक है, यानी कि टू के साथ जो भी नंबर आएगा उसका हम मोड लेंगे। तो मोड क्या होता है, मोड को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू एन परसेंटेज का साइन और टू, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसका ये मतलब ये होता है कि हमने क्या करना है, सिंपल डिवीजन ही करनी है। ठीक है, यहाँ पर वो जो नंबर दिया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 यूज़ किया था और 6 यूज़ किया था, ये वो नंबर है जो कि हमें मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 6 है, तो मैं लिखूँगी 6 मोड 2। तो मैं उसको सोल्व इस तरीके से करूँगी, 2 के साथ डिवाइड कर दूँगी उस नंबर को, 2 3 6, ये 0 आ गया। तो मेरे पास ये जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर, ये इसका आंसर आ गया। तो मेरा आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। अब जब ये रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 होगा तो नंबर क्या होगा, हमारे पास इवन होगा। तो हमने ये फार्मूला लगा देना है, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू एन मोड 2। आपने जस्ट फार्मूला सीधा सीधा लगाना है। मैं ये सारी कैलकुलेशन आपको इसलिए बता रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आपने पेपर्स में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, आपने जस्ट नंबर लेना है, उसके बाद सीधा सीधा उसका ये फार्मूला लिख देना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मोड 2, और उसके बाद कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन हमेशा हमारी डायमंड सिंबल में होती है। हमने कंडीशन क्या लगानी है कि जो रिमाइंडर मैंने फाइंड किया है वो अगर 0 है, रिमाइंडर इज़ 0, यानी कि इसका अगर आंसर 0 है तो मैंने क्या करना है, और अदर देन 0 है तो मैंने क्या करना है। तो रिमाइंडर इज़ 0 अगर तो वो येस हो गया तो मैंने क्या करना है, और अगर नो हो गया तो मैंने क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, उसने कहा है कि आप प्रिंट करवाओ ओड है या इवन। तो अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो मैं कहूँगी कि नंबर जो है वो एन जो मैंने लिया था नंबर वो क्या है, इवन। और अगर नो आ गया तो मैं कहूँगी उसका आंसर क्या है, ओड। तो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, अगर तो इसका आंसर आ गया येस तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट एन इज़ इवन, कि जो नंबर दिया गया था वो क्या था, इवन था। और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को एंड कर दूँगी। ठीक है, अपने फ्लो चार्ट को एंड कर दूँगी। और अगर ये वाला हिस्सा फिर स्किप हो जाएगा ना, सिर्फ ये चलेगा ऐसे कर कर। लेकिन अगर आंसर आ गया 0, ना आंसर आया तो मेरे पास इसका नो की तरफ चले जाएंगे, फिर ये वाला हिस्सा स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नो आंसर आ गया तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट एन इज़ ओड, तो मैं क्या प्रिंट कर दूँगी कि नंबर जो था वो क्या है, ओड है, और उसके बाद उसको एंड कर दूँगी। ठीक है, ये वाला ऐसा स्किप हो जाएगा फिर। तो आपका क्या होता है, कंडीशनल वाले में क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद एक कंडीशन होती है, कंडीशन आप देखते हो येस और नो की सूरत में। अगर तो येस होता है तो कुछ और स्टेटमेंट्स हम फॉलो करते हैं, अगर नो होता है तो कुछ और स्टेटमेंट्स फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये सारी डिटेल मैंने जो कैलकुलेशन की है सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। तो नेक्स्ट क्या है, आपका ये जो थ्योरी है आपकी, ये आपने सारी कट कर देनी है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट पेज पर है वो भी आपने ये इतना कट कर देना है। नेक्स्ट आपका क्या है,
फ्लोचार्ट टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द थ्री गिवन अनइक्वल नंबर. अनइक्वल का मतलब होता है ऐसे नंबर जो कि सेम ना हो. तो तीन आपको डिफरेंट नंबर दिए गए होंगे, उसमें से आपने एक बड़ा वाला नंबर फाइंड करना है. तो आपने क्या करना है, तीन नंबर दिए होंगे, आपने उसको कंपेरिजन करना है एक दूसरे के साथ और फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है. तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट सिंबल के साथ हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया. उसके बाद हमने इनपुट ले लिया, तीनों नंबर होंगे N0, N1 एंड N2. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इन तीनों नंबरों में से मैंने एक वेरिएबल ले लिया लार्ज और इज इक्वल टू N0. मैंने पहले नंबर को कह दिया कि वो लार्ज है. मैंने पहला नंबर लिया और उसको मैंने कह दिया ये लार्ज है. ठीक है, अब इसको मैंने कंपेरिजन करना है दूसरों के साथ. अगर तो मुझे इसके बाद कोई और बड़ा नंबर मिलता है इससे, तो मैं इस लार्ज वाले वेरिएबल में वो रखवा दूंगी. यानी कि अगर तो फॉर एग्जांपल N1 बड़ा मुझे मिलता है कंपैरिजन करते हुए, तो मैं क्या करूंगी, लार्ज में N1 रखवा दूंगी. और अगर मुझे N2 मिलता है तो मैं लार्ज में N2 रखवा दूंगी. और अगर N1 और N2 दोनों ही छोटे हैं इस N0 से, तो लास्ट में क्या बचेगा, N0 ही लार्ज में रह जाएगा. तो मैं प्रिंट करवा दूंगी लार्ज यानी कि N0. ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से कंपैरिजन करना है आपने. सबसे पहले मैं लार्ज एक वेरिएबल है उसके उसमें मैंने फर्स्ट नंबर रखवा दिया, वो क्या है N0. अब मैंने कंपैरिजन किया डायमंड सिंबल के साथ, मैंने डिसीजन लेना है. तो N1 ग्रेटर देन लार्ज. अब लार्ज में हमारे पास क्या है, N0. ठीक है, हमारे पास N0 है लार्ज में. तो मैं क्या बेसिकली कर रही हूँ, N1 ग्रेटर देन N0, मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे नंबर को पहले नंबर जो था उसके साथ कंपेयर कर रही हूँ कि N1 ग्रेटर देन लार्ज. अगर तो लार्ज से बड़ा है, यानी कि N0 से बड़ा है N1, अगर तो येस आंसर आ जाता है, तो मैंने लार्ज में N1 रखवा देना है. लार्ज इज इक्वल टू N1. ठीक है, यानी कि अब लार्ज में N0 नहीं रहा, अब क्या आ गया N1, क्योंकि N1 फाइंड कर लिया था कि ये बड़ा है. ठीक है, N0 चला गया, ख़त्म हो गया. लेकिन अगर इसका आंसर, यानी कि ये N1 ग्रेटर देन लार्ज, इसका आंसर आ गया नो आ गया, इसका मतलब हमारी तलाश अभी जारी है. तो हमने करना है वो, हमने नो की सूरत में क्या करना है, दूसरा जो तीसरा नंबर है हमारे पास, थर्ड नंबर जो N2 था, उसके साथ कंपैरिजन करना है N0 को ही. तो अगर तो N1 बड़ा नहीं है N0 से, यानी कि नो आंसर आ गया, तो मेरे पास जो तीसरा नंबर है उसके साथ मैं N0 को कंपेयर करूँगी. N2 ग्रेटर देन लार्ज, लार्ज का मतलब N0 ही है अभी इसमें, क्योंकि नो आंसर आ गया था. तो अगर N2 ग्रेटर देन लार्ज, अगर तो N2 बड़ा है N0 से, जो ठीक है, तो अगर तो इसके भी दो पॉसिबिलिटी है. अगर तो यस आ गया तो मैं लार्ज में N2 रखवा दूंगी, N0 जो था वो हो गया ख़त्म. ठीक है, क्योंकि लार्ज मुझे मिल गया नंबर. लेकिन अगर अभी भी नो आंसर है, तीसरे नंबर के साथ कंपैरिजन करके भी नो आंसर है, तो मैं क्या कर दूंगी, सीधा प्रिंट लार्ज कर दूंगी. मैं यानी कि मैं कहूंगी कि लार्ज में जो भी मौजूद है, यानी कि अगर यस हो गया तो मैं क्या करूंगी, N2 आ गया तो लार्ज में N2 आ जाएगा, तो प्रिंट लार्ज कर दूंगी. लेकिन अगर आंसर आ गया नो आंसर आ गया, तो अब चौथा पांचवा नंबर तो कोई है ही नहीं मेरे पास कंपेयर करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट लार्ज कर दूंगी. यानी कि लास्ट में लार्ज में जो भी बचेगा वो मैं प्रिंट करवा दूंगी. वो ये भी हो सकता है और N0 भी हो सकता है. ठीक है, लार्ज में जो भी होगा, ठीक है, उसके बाद ये एंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लार्ज नंबर तीनों में से मिल गया. ठीक है, नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है वो भी इसी का है. फ्लो चार्ट इसी सवाल का है फ्लो चार्ट, एक डिफरेंट तरीके से, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने के कई तरीके हो सकते हैं. तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको अभी आप कट कर दें, ये हमने नहीं करना. ठीक है, एक ही जो फ्लो चार्ट का जो सवाल है उसका एक ही फ्लो चार्ट हम करेंगे, ये वाला. ठीक है, नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है वो है आपका टू असाइन ग्रेड टू ए सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेंड मार्क्स. आपने सब्जेक्ट्स को ग्रेड असाइन करने हैं किसकी बेस पर, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेंड मार्क्स. किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट के कितने मार्क्स हासिल किए हैं और वो मार्क्स कितने में से आए हैं. तो हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमें दो चीज़ें चाहिए. हमेशा हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं स्टूडेंट्स की, और क्या करते हैं उसकी बेस पर हम उसको ग्रेड असाइन करते हैं. जैसे कि 80
परसेंट से ऊपर हो तो हम कहते हैं इस बच्चे का ग्रेड ए प्लस बनेगा, और अगर 70 से अबव हो तो हम इसको कहते हैं कि ए बनेगा, और अगर 60 से अबव हो तो हम कहते हैं बी बनेगा, इसी तरह फर्दर अगर एफ है तो हम क्या कहते हैं ये बच्चा फेल है। इसी तरीके से हम ग्रेडिंग करते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेंड मार्क्स। तो इनपुट के तौर पर हम दो चीज़ें ले लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे अपना फ्लो चार्ट, इनपुट के ले लेंगे हम दो चीज़ें, ऑब्टेंड मार्क्स कितने मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स कितने में से आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, सबको ही पता है फार्मूला क्या है कि ऑब्टेंड मार्क्स प्लस ऑब्टेंड मार्क्स यानी कि जितने मार्क्स बच्चे लिए होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितने टोटल मार्क्स होते हैं, जो डिवीजन का आंसर आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब जैसे ही हम ये करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है, ठीक है। तो परसेंटेज जैसे ही आएगी तो मैंने कंपैरिजन करना शुरू कर देना है कि अगर ये मेरा डिसीजन सिंबल है, डायमंड सिंबल जो है, तो यहाँ पर इफ लग रही है, यानी कि डिसाइड यहाँ पर होना है कि अगर ये होगा तो हम ये करेंगे और अगर ये होगा तो हम ये करेंगे। तो वो ये कह रहा है कि जैसे ही हमने परसेंटेज निकाली, परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर तो परसेंटेज जो हमने निकाली है वो 80 से अबव है, तो अगर तो है तो जाहिर है हमें ग्रेडिंग हमारी निकल गई, काम ख़त्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, ग्रेड ए प्लस को शो करवा देंगे, ये से यानी कि इसकी प्रोसेसिंग कर देंगे कि ग्रेड ए हमारा आता है। ग्रेड ए जब आएगा उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे ग्रेड चाहिए था, वो ग्रेड निकल आया है। तो ग्रेड निकल आया तो मैं क्या करूँगी, इसके लास्ट में ग्रेड को प्रिंट करवाऊंगी और एंड करवा दूंगी, ठीक है। प्रिंट क्या होगा, ए प्लस, के ए प्लस ग्रेड आ गया। नेक्स्ट क्या है, अगर तो आंसर आता है यानी कि 80 नहीं था उस बच्चे का, ये वाला पोर्शन अगर नहीं होता तो कहाँ पर चले जाएंगे हम, नो पर। जैसे ही नो पर करेंगे तो वो नेक्स्ट चीज़ चेक करेगा, अगर 80 से अबव नहीं है तो क्या हो सकता है कि 70 से अबव हो। तो नेक्स्ट कंडीशन का चेक हो रही है, परसेंटेज ग्रेटर देन 70, कि 70 से अबव तो नहीं है बच्चे का। और अगर इस सूरत में यस हुआ तो हम क्या करेंगे, ग्रेड ए लेंगे, यानी कि इसका ए ग्रेड, इसका आंसर क्या आया, ग्रेड ए। और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको वैसे ही जैसे पहले लेकर गए थे प्रिंट ग्रेड कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका 70% भी नहीं है स्टूडेंट का, उसका आंसर आएगा नो, नो आएगा। तो जैसे ही नो आएगा तो मैं दोबारा अगली कंडीशन चेक कर लूँगी, परसेंटेज ग्रेटर देन 60, अगर तो 60 हुआ, यस हुआ, उसी केस में ग्रेड बी मैं क्या करूँगी, आंसर आ जाएगा, और उस ग्रेड बी को मैं क्या करूँगी, प्रिंट करवा लूँगी, यानी कि आउटपुट ले लूँगी, और उसको प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, फ्लोचार्ट हमारा एंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो वही केस अगर नो आ गया तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी 50 वाली, यस आ गया तो सी प्रिंट हो जाएगा और एंड हो जाएगा, और अगर नो आ गई तो नेक्स्ट चेक करेंगे 40 वाली, अगर यस हो गया तो वही ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, और अगर नो हो गया तो मैं क्या करूँगी, नो हो गया तो क्या चेक करेंगे, अगली कंडीशन चेक करेंगे। अगली कंडीशन क्या है, परसेंटेज ग्रेटर देन 33, अगर तो 33 है तो यस है तो ग्रेड ई आ जाएगा, ग्रेड ई आके फिर वही प्रिंट करवाएंगे और एंड हो जाएगा। लेकिन अगर नो है तो प्रिंट ग्रेड क्या आ जाएगा, एफ़, यानी कि अगर नो की सूरत में क्या होगा, उसका ग्रेड अगर 33 से अबव नहीं है तो जाहिर है ब्लो वाला तो होता ही फेल है, तो नो आ गया तो उसको क्या करेंगे, ग्रेड कर देंगे एफ, यानी कि फेल हो जाएगा, और उसको प्रिंट करवा देंगे और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। इसी तरीके से सब स्टूडेंट्स के क्या करेंगे, हम ग्रेड्स निकाल लेंगे जिस भी सब्जेक्ट्स में उन्होंने कहा होगा। तो ये आपका जो प्रोग्राम है ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा लंबा है लेकिन सिंपल है। नेक्स्ट आपका फ्लो चार्ट जो है वो है टू डिटरमिन नेम ऑफ ए वीक। आपने जो वीकडेज है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो डिटरमिन करने हैं, पता लगाने के कौन सा दिन चल रहा है। फ्रॉम ए गिवन नंबर वियर वीक डेज आर अज्यूम फ्रॉम मंडे टू संडे, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, मंडे से वीक स्टार्ट करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर फ्रॉम 1 to 7। अब वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, 1 to 7 नंबर दे दो, यानी कि मंडे को नंबर क्या दे दिया उसने, 1, ट्यूसडे को नंबर दे दिया उसने 2, वेडनेसडे को उसने नंबर दे दिया 3, यानी कि रिस्पेक्टिवली क्या होगा, 1 to 7। इस तरीके वेडनेसडे थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6, संडे को 7,
7 days हैं, वो ये कह रहा है कि आपको ये नंबर बताया जाएगा और आपने ये पता लगाना है कि ये कौन सा दिन है। तो सिंपल सा है, हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर नंबर 3 आया है तो वेडनेसडे प्रिंट करा दो, नंबर 4 आया है तो थर्सडे प्रिंट करा दो, 5 आया तो फ्राइडे प्रिंट करा दो। इसी तरीके से हम सब पर क्या है बड़ी बड़ी कंडीशन लगा देंगे, जिस तरह हमने पहले किया है ग्रेडिंग, वो उसका ग्रेडिंग करने के लिए कंडीशन बार बार चेक की है, इसी तरीके से हम इसकी भी चेक करेंगे बार बार। 1, 2, 3, 7 इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। स्टार्ट कर लेंगे हम स्टार्ट के सिंबल से, और उसके बाद इनपुट नंबर डे, नंबर डे इनपुट हम क्या लेंगे, हमारे पास कोई एक नंबर दिया जाएगा, कोई यानी कि नंबर कोई एक करना है, तो हम जनरल क्या लिखेंगे, कौन क्या नंबर, क्या हमें चाहिए नंबर चाहिए, तो हम इनपुट क्या कर लेंगे नंबर डे। आप सिंपल इनपुट नंबर भी कर सकती हैं या इनपुट डे नंबर भी कर सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसने के लिया हुआ इनपुट नंबर डे, ठीक है। अब आपके पास कोई ना कोई इनपुट आएगी, कोई ना कोई इन में से कोई ना कोई नंबर आएगा, आपने ये बताना है कि कौन सा दिन चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, डे इज़ 1, कंडीशन लगा देंगे कि अगर तो 1 आया, यानी कि नंबर किसी ने अगर 1 दिया है, डे इज़ 1, अगर तो डे 1 आया तो यस आया अगर आंसर, तो डे 1 में हमारे पास क्या है आंसर मंडे, तो हम क्या करा देंगे प्रिंट मंडे, और प्रोग्राम को क्या कर देंगे एंड पर एंड कर देंगे, क्योंकि हमारा दिन फाइंड हो गया है, हमारा इतना ही काम था, हम आगे देखेंगे कुछ नहीं। लेकिन अगर नो अगर आ जाता है तो हम आगे देखेंगे क्या दिन 2 तो नहीं है, डे इज़ 2 तो नहीं है, और अगर तो दिन 2 हुआ तो हम क्या करेंगे प्रिंट ट्यूसडे करवाएंगे और हमारा काम ख़त्म, और हम क्या करेंगे एंड कर देंगे। लेकिन अभी भी अगर हमें अपना दिन नहीं मिला तो हम क्या करेंगे नो करेंगे, फिर अगली कंडीशन चेक करेंगे, वो क्या है डे इज़ 3, 3 तो नहीं है, अगर यस है तो वेडनेसडे प्रिंट करेंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर नो है तो हम क्या करेंगे डे इज़ 4 चेक करेंगे, डे 4 तो नहीं है तो थर्सडे, अगर यस हुआ थर्सडे कर देंगे और प्रोग्राम को क्या करेंगे एंड कर देंगे। लेकिन अगर नो हुआ तो हम अगली कंडीशन चेक करेंगे डे इज़ 5, अगर तो डे 5 हुआ तो हम क्या करेंगे प्रिंट फ्राइडे कर देंगे, और अगर नो हुआ तो अगली कंडीशन चेक करेंगे डे 6, अगर यस हुआ तो प्रिंट सैटरडे कर देंगे, अगर नो हुआ तो अगली कंडीशन चेक करेंगे डे 7, यस हुआ तो प्रिंट संडे, अगर नो हुआ तो एंड। अगली कंडीशन कोई नहीं, हम चेक ही नहीं कर सकते, हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, तो हमारा प्रोग्राम क्या हुआ एंड हो गया, ठीक है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।